नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। देश में फैल रही महामारी के संकट में हर कोई अपने स्तर से मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह संकट की घड़ी में अपना योगदान दें। आज जनपद मुजफ्फरनगर में कुछ उद्योगपतियों ने अपने सहयोग से स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व जिला अधिकारी मुजफ्फरनगर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 15 लाख रुपए का चेक दिया। ये वो समाज सेवी हैं जो समय समय पर लोगों की मदद करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस सराहनीय कार्य की काफी तारीफ की। जहां देश कोरोना जैसी बड़ी महामारी को झेल रहा है, वहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अपनी तरफ से लोगों की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे संकट की घड़ी में बहुत से लोग धनराशि देकर गरीब मजलूमों की मदद कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिला भाईचारे के लिए बहुत दूर तक जाना जाता है। यहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। आज कुछ उद्योगपतियों ने अपने हाथ 15 लाख रुपए देकर आगे बढ़ाए। धनराशि देने वालों में सुनील अग्रवाल, अमित गर्ग, अंकुर गर्ग, कुशपुरी व कई बड़े उद्योगपतियों ने यह नेक काम किया है। यूपी के जिला गाजियाबाद में नर्स के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना पर भी राज्य मंत्री ने निंदा की और कहा कि ऐसे लोग बाज आ जाएं, नहीं तो उन पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस से देश इस समय जूझ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार हर प्रकार का संभव प्रयास कोरोना वायरस से देशवासियों को बचाने के लिए कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी और देशवासियों के लिए राशन सामग्री के लिए भी और अन्य व्यवस्थाओं के लिए। उसी के लिए एक पीएम केयर फंड की स्थापना हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की गई है और माने जेपी नड्डा जी जो हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपेक्षा की है कि सभी लोग इसके अंदर अपना कम से कम कंट्रीब्यूशन करें और 100 रुपये न्यूनतम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो करें और समाज के जो अन्य सक्षम लोग हैं वो अधिकतम जो भी स्वेच्छा से। इस समय देश पर एक आर्थिक संकट है तो निश्चित रूप से ईंधन के मुहैया कराने के लिए हमारे मुजफ्फरनगर के उद्योगपति में जिन्होंने सिल्वरटन पेपर मिल है, गैलेक्सी पेपर मिल है, अपने के डुप्लेक्स है, मैग्मा है, इन सब लोगों ने मिलकर के 15 लाख रुपए का ये कंट्रीब्यूशन आज किया है। उनका चेक हमने माने डीएम के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के अंदर भेजा है। बहुत ख़राब हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोग धर्म के नाम पर देश को भी जब ऐसी अपील माने प्रधानमंत्री द्वारा की गई हो तो हम सब उसकी मर्यादा का पालन रखना चाहिए। अब जो घटना हुई है अलग बात है, सारी चिकित्सा सुविधाएं को मिल रही हैं, आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो ऐसा हम सबको ध्यान रखें। गाजियाबाद में घटना हुई है, थोड़ी सी घटना बिजनौर के अंदर हुई है, उनको भी इस बात के लिए कहा गया है कि इस प्रकार की घटनाएं ना करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चेतावनी दी है कि जो लगातार चिकित्सा कर्मियों के साथ, डॉक्टर के साथ, नर्सेज के साथ इस प्रकार की न्यूसेंस करेगा और नहीं मानेगा तो उनको राष्ट्र को विरुद्ध किया जाएगा। यानी कानून अपना काम करेगा और जिनको आवश्यकता है उनको हर प्रकार की मदद सरकार की ओर से मिल रही है और माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, सबको राशन मिलेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राशन ये किसी प्रकार की कमी नहीं है, राशन डीलर्स के माध्यम से भी और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी सबको भरपूर राशन की सामग्री है सबको उपलब्ध कराया जाए। जनपद मुजफ्फरनगर में चोरी की एक वारदात सामने आई है। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना को हराने में लगा है, पुलिस लोगों की सुरक्षा में तत्परता से काम कर रही है, अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात खड़ी रहती है। उसी का फायदा उठाकर चोरों ने लाखों रुपए की कीमत के सामान को बड़े ही आराम से चोरी कर लिया। जिस प्रकार से घर को खंगाला गया उससे प्रतीत हो रहा है कि चोरों ने तसल्ली से चोरी की घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग बाहर नहीं निकल रहे। पूरी घटना जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मोहल्ला साकेत कॉलोनी की है, जहां राजीव त्यागी एडवोकेट अपने परिवार के साथ रहते हैं। यह पूरा परिवार लॉकडाउन से एक दिन पहले अपने गांव चला गया था, तभी पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था और इस कारण राजीव त्यागी वहीं पर फंस गए। आज जैसे तैसे वो अपने घर साकेत कॉलोनी में पहुंचे तो घर की हालत देखकर उनके होश पाकता हो गए। राजीव त्यागी और उनकी पत्नी शिवानी त्यागी ने देखा कि घर में चोरों ने खिड़की फाड़कर घर में रखे जेवर और नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पास में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हुआ ये कि 22 तारीख में रात में है हमारा यही फलूदा, लॉकडाउन के दौरान हम गांव में चले गए कि गांव में सही रहेगा, सेफ रहेंगे जी। इसी बीच में आज मकान पर हम आए तो देखा सारा ताला टूटा हुआ था, ग्रिल तोड़ के कोई अंदर घुसा था और सारा सामान जो भी ज्वेलरी थी, जो भी कैश था, सब जो है वो लोग ले। बाकी हम टैली कर रहे हैं और सामान मिला रहे हैं, क्या क्या गया, ज्वेलरी और कैश जो है दो ही चीज़ मेन थी। मैं तकरीबन 1.25 लाख के करीब कैश होगा और कुछ थोड़ा बहुत 4-5 हो ले। अब देख रही है पुलिस, अब इन्फॉर्म किया है
ये राजीव त्यागी एडवोकेट का मकान है। क्या हुआ क्या यहाँ चोरी हो गई? ये अभी आधा घंटा पहला है, आगे देखते हैं सफाई वफाई करना आए होंगे जी। अचानक से तो सारा सामान जो है सब अंदर हमारे सारे टूटे हुए ड्राइंग रूम की ग्रिल निकाल रखी है उसमें से अंदर हुआ। कहाँ गए थे ये? गाँव में गए थे। कितने दिन से? ये लगभग हो गए थे। तो ये जैसे चोरी हुई है इसकी सूचना पुलिस को दी गई? हाँ, पुलिस को दी गई सूचना। लगभग कितना नुकसान माना जा रहा है? क्या नुकसान? तो अभी ये खुद ही बताएंगे कितना होगा, हम तो पड़ोसी हैं। भैया हम गांव गए थे, अचानक ऐसे ही आए और देखा चलो घर को देख आते हैं। आके देखा कि लोग मेन गेट खुला और आकर देखा सारा सामान बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त बेड बेड सब सामान बिखरा हुआ था। चारों ओर देखा कि कहाँ से आए हैं वो लोग, पता चला कि ड्राइंग रूम की खिड़की से आए हैं। लगभग अभी तो देख एक लाख के करीब तो हुआ कैश की थी, ज्वेलरी चांदी की ज्वेलरी थी। देख रही है सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे घर पे देखे। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर से पत्रकार व सरकार की तरफ से अपने आप को आर्थिक सहायता कोरोना वायरस के लिए नामित होना बताकर ग्रामीणों से रसीद काटकर ठगी करने वाले दो फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से दो फर्जी आई कार्ड, एक माइक आईडी व एक रसीद बुक बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को चालान कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने कोरोना वायरस के नाम पर रसीद काटते दो फर्जी पत्रकारों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चरथावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह को चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव सिकंदरपुर निवासी करम सिंह ने सूचना दी थी कि गांव में दो व्यक्ति अपने आप को पत्रकार व सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता कोरोना वायरस के लिए नामित होना बताकर ग्रामीणों की रसीद काट रहे हैं। सूचना मिलते ही चरतावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह के नेतृत्व में हिंडन चौकी प्रभारी जितेंद्र तेवतिया, एसआई अश्विन पुलिस टीम के साथ मौके पर रसीद काट रहे दोनों पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ गए दोनों फर्जी पत्रकारों ने अपना नाम शेखर पुत्र संबल व अनिल पुत्र श्यामलाल निवासी थाना भवन शामली बताए। पुलिस ने काफी जांच पड़ताल करने के बाद पाया कि दोनों फर्जी पत्रकार हैं और दोनों ग्रामीणों से कोरोना वायरस के नाम पर ठगी करने आए थे। पुलिस ने इनके पास से दो फर्जी आई कार्ड, एक माइक आईडी व एक रसीद बुक बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया। चरथावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पत्रकारिता के नाम पर ठगी करने आए दो युवकों को गिरफ्तार कर उनसे माइक आईडी, आई कार्ड, बिल बुक व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। दोनों को धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेज दिया गया है। जनपद बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र के गांव कोहरपुर में दोपहर के समय नेपाल सिंह अपने परिवार के साथ जंगल में खेत पर खेती का कार्य करने गया हुआ था। अचानक से घर के अंदर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घर में आग लग गई, जिसमें एक मंदबुद्धि उनकी बेटी घर के अंदर ही थी। आसपास के लोगों ने जब देखा कि नेपाल सिंह के घर में आग लगी हुई है तो आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का भरसक प्रयास किया। इसी बीच उन्हें मंदबुद्धि लड़की अंदर दिखाई दी तो आस पड़ोस के लोगों ने घर का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और नेपाल सिंह का सारा खाने का सामान और साइकिल व अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। बिजली से लगी थी, मैं तो घर पर नहीं था जी, नुकसान हो गया कम से कम 30-35 हज़ार रुपये का जी। लड़की बच गई बस, वो अंदर ही बंद हो गई थी। अच्छा। गांव वालों ने तो ताली बोली बात। जिला तो ये बिजनौर जिला। अच्छा अच्छा। गांव कोहरपुर किरतपुर की जंगल गए हुए थे जी बिजली से। अच्छा। 30-35 हज़ार का होया जी। अच्छा, लड़की जब बच गई जलने से। अच्छा। जनपद सहारनपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव का केस मिला है, जिससे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिले में ड्रोन कैमरे से निगरानी बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी आने जाने वालों पर गंभीरता से पूछताछ की जा रही है। जमात में लखनऊ गए सहारनपुर के 12 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सभी देहात कोतवाली के दूधली के रहने वाले हैं, जिसमें एसएसपी दिनेश कुमार पी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी जनपद वासियों को आगाह करते हुए कहा गया था कि यहां अभी तक कोई नहीं मिला है, कोई अफवाह न फैलाए और न ही किसी और की बात में आए। इन 12 लोगों में से कोई भी सहारनपुर में नहीं है। वहीं देर शाम सहारनपुर में एक पॉजिटिव केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोरोना वायरस यूपी के अंतिम जिले सहारनपुर तक आ गया है। अभी तक शामली जिले के कैराना कस्बे में एक मामला पॉजिटिव था, लेकिन शुक्रवार को शामली में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 3 हो गई और सहारनपुर में भी 67 वर्षीय एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सहारनपुर में पहला मामला सामने आते ही जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने रात में ही सभी विभागों की मीटिंग बुला ली। इस मीटिंग में लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के साथ साथ कोरोना संक्रमण
से बचाव के तरीकों पर भी मंथन हुआ। सीएमओ बी एस सोडी ने सहारनपुर में रह रहे 67 वर्षीय व्यक्ति में कोरोना वायरस पाए जाने की पुष्टि की। बताया गया कि मूल रूप से यह आसाम का रहने वाला है और 12 मार्च को दिल्ली से सहारनपुर आए थे। यहां चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव दुमझेड़ा की मस्जिद में रुके हुए थे। ये अफीफुद्दीन है इनका नाम, ये 67 ईयर्स के हैं, ये आसाम के रहने वाले हैं। ये हमारे क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में आईआईटी जो है वहाँ पर हमने बना रखा, वहाँ पर हैं ये। 12/3 को दिल्ली से यहाँ पर दुमझेड़ा एक जगह है वहाँ पे मदीना मस्जिद में आए थे और 1 तारीख को ये क्वारंटाइन में आए और 2 तारीख को हमने इनका सैंपल भेजा है और आज जो शाम के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इनकी। और इसके उपरांत हमने जो इनकी मस्जिद है वहाँ पर सैनिटाइजेशन के लिए डॉक्टर्स और टीम्स को भेज दिया है। उसके 3 किलोमीटर के एरिया तक हम सबको सैनिटाइज करवाएंगे और घर घर का सर्वे भी करवाएंगे। इनके क्लोज कॉन्टैक्ट तलाशे जा रहे हैं और ये हिंदी लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो इनके जो साथ के लोग हैं उनसे हम कम्युनिकेशन करके इनसे सारे कॉन्टैक्ट निकाल रहे हैं। तो सर क्या सहारनपुर में पहला केस अभी आया है? ये सहारनपुर का पहला केस है जो कोरोना पॉजिटिव आया है। अन्य कुछ लोगों की रिपोर्ट गई हुई है अभी? आज भी हमने 80 केसेस सैंपल्स भेजे हैं और उनकी रिपोर्ट्स देखिए परसों सुबह तक आ जाएगी। अब तक लगभग टोटल कितनी रिपोर्ट भेजी है और कितनी नेगेटिव पॉजिटिव? अभी तक जितनी भी हमने रिपोर्ट्स भेजी हैं सब नेगेटिव आई हैं, सिर्फ यही एक पॉजिटिव आया। कल भी हमारे 14 नेगेटिव आए थे, उससे पहले भी हमारे 24 थे वो भी नेगेटिव आए थे। ये सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात के रहने वाले हैं। ये लोग जमात पे वहाँ लखनऊ तक गए हुए थे। ये वहाँ पे बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में इस वक्त क्वारंटीन में हैं। टेस्ट के बाद 12 लोग वहाँ पॉजिटिव आए हैं और ये मूल रूप से सहारनपुर के रहने वाले हैं और सहारनपुर से दिल्ली गए, दिल्ली से वहाँ जमात लेके गए हैं। सहारनपुर से ये हजरत निजामुद्दीन गए थे? हाँ, ऐसे ज्ञात हुआ है कि वो सहारनपुर के रहने वाले हैं, पहले दिल्ली निजामुद्दीन गए हैं, फिर वहां से फिर लखनऊ गए हैं। जहां एक तरफ कोरोना महामारी को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। शासन व प्रशासन लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील कर रहा है, लेकिन प्रशासन की इस अपील का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं है और शामली प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में नाकाम साबित हो रहा है। तबलीगी जमात में मिले कोरोना पॉजिटिव ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है और प्रशासन मस्जिदों में नमाज पर पाबंदी लगा रहा है, लेकिन शामली में मुस्लिम समुदाय के लोग सामूहिक नमाज पढ़ रहे हैं और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग सामूहिक तरीके से चोरी छिपे घरों के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं, जिसका वीडियो पड़ोसी युवक ने अपने मोबाइल में उतार लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और वीडियो में दिख रहे लोगों को पहचान करने का प्रयास किया। वायरल वीडियो सिंजाना थाना क्षेत्र के गांव पुरमाफी का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस वीडियो में दिख रहे सभी लोगों की पहचान कर रही है और सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी लिखा गया है। पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले को कतई बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस ने सभी लोगों की तलाश शुरू कर दी है। वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जनपद शामली में 3 हफ्ते का लॉकडाउन है। इस दौरान किसी भी प्रकार का सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम पूर्णतया प्रतिबंधित है। इस बारे में लोगों को बार बार अपील भी किया जा रहा है, जागरूक भी किया जा रहा है। उसके पश्चात भी कल एक घटना प्रकाश में आई है, जहां एक घर के आंगन में चोरी छुपे सामूहिक रूप से नमाज अदा की गई है। इसका एक वीडियो पुलिस के पास, थाना झिंझाना पुलिस के पास प्राप्त हुआ है तथा ये सूचना मिली थी। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना झिंझाना पुलिस द्वारा उक्त 15 व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 10 लोग नामजद हैं तथा 5 अज्ञात हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है तथा उन सभी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने शामली नगर वासियों के लिए एक नई पहल की है। जहां एक तरफ पूरा देश में कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं यूपी के जनपद शामली में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा सख्त नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने शामली के सैकड़ों गाँवों को सैनिटाइज करने के आदेश दिए हैं। शामली जनपद में 3 बड़ी गन्ना फैक्ट्री है और मंत्री सुरेश राणा सूबे के गन्ना कैबिनेट मंत्री हैं। सुरेश राणा ने जिले की 3 गन्ना फैक्ट्री को अपने क्षेत्र के गाँव को सैनिटाइज करने के आदेश दिए हैं। मंत्री के आदेश के बाद मिल प्रबंधकों द्वारा पालन किया जा रहा है।
और क्षेत्र के गांवों को सैनिटाइजर किया जा रहा है। गांव में दो दो मशीनों से सैनिटाइजर का काम किया जा रहा है ताकि लोगों को कोरोना की इस महामारी से निजात मिल सके। दो दर्जन से अधिक गांवों को सैनिटाइजर किया जा चुका है और इसके अलावा अभी ऐसे हजारों की संख्या में गांव हैं जहां पर सैनिटाइजिंग का काम चल रहा है। गांववासी मंत्री के इस फैसले को सार्थक मान रहे हैं और ग्रामीण कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा की प्रशंसा भी करते नजर आए। तस्वीरें शामली जनपद के गाँव कसेरवा की है जहाँ पर आज सैनिटाइजर का काम किया गया। गली मोहल्लों की दीवारों व नालियों को सैनिटाइजर किया गया ताकि लोगों को कोरोना की इस महामारी से बचाया जा सके। ग्रामीणों का मानना है कि मंत्री की इस पहल से बहुत लाभ मिलेगा और इसी तरह से कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। माननीय मंत्री श्री सुरेश राणा जी के द्वारा किए जा रहे सब गाँव जी, मंत्री जी का बड़ा सहयोग चल रहा है, युद्ध स्तर का कार्य चल रहा है उनके द्वारा। तो क्या मानते हैं क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। तो ऐसे कितने गाँव है जो सैनिटाइज किए जा चुके? लगभग 2 से 3 दर्जन हो चुके। तो आगे भी कितने गांव सैनिटाइज किए जाएंगे? सब गांव किए जाएंगे। तो आज गांव में सैनिटाइज किया गया तो क्या मानते हैं तो किस तरह से जो है कोरोना से निजात मिलेगी या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। लॉकडाउन भी चल रहा है, किस तरह से लॉकडाउन पूरी तरीके से चल रहा है गाँव में भी? देश भर में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन जारी किया गया है। इस लॉकडाउन के बीच शामली में यूपी हरियाणा बॉर्डर को पार करने के लिए कुछ परदेशी लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। देश भर में लॉकडाउन के कारण 200 से 300 रुपए में प्रवासियों को बॉर्डर पार कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने बॉर्डर की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर 300 रुपए देकर यमुना नदी के इस रास्ते ट्यूब के जरिए बॉर्डर पार कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है। लॉकडाउन के अव्यवस्थाओं का बोलबाला साफ दिखाई देने लगा है। पिछले दिनों दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर यूपी हरियाणा बॉर्डर से बिना डॉक्टरी जांच के ही निकल गए थे। वहीं प्रवासी मजदूरों के कारण कोरोना संक्रमण महामारी फैलने की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय व उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जनपदों की सीमाओं को सील करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कैराना स्थित यूपी हरियाणा सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया। वहीं सीमा सील होने के बाद प्रवासी मजदूर इधर उधर भटकते नजर आए, जिसके बाद यमुना किनारे गांव के कुछ युवक प्रवासी मजदूरों को यमुना के रास्ते ट्यूब के जरिए बॉर्डर पार करा रहे थे। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उनसे युवकों ने यमुना पार कराने के नाम पर 200 से 300 रुपए प्रति व्यक्ति लिए हैं। उनके कुछ साथी मजदूर रुपए न होने के कारण हरियाणा की ओर ही लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। वहीं युवकों द्वारा ट्यूब के जरिए प्रवासी मजदूरों को यमुना पार कराने की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। देखिए, हमारे बॉर्डर बिल्कुल सील है, हम कोई भी माइग्रेशन इधर का उधर अलाउ नहीं करेंगे और यही भारत सरकार और प्रदेश सरकार की मंशा है। जो जहां है वो वहीं रहेगा और उसकी देखभाल वहीं की जाएगी। अब ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है कि यमुना में तैरकर कुछ व्यक्ति आने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, दोनों की तरफ बॉर्डर के SDMs को जो इसके बारे में सूचित कर दिया गया है वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और मेरी तरफ से भी एक DC पानीपत को जो पत्र है वो मैं लिख रही हूँ अपने सब सीनियर्स के संज्ञान में डालते हुए कि ऐसे लोगों को वो उधर अपने बॉर्डर की तरफ जो है उनका ध्यान रखेंगे और उनको इधर तरफ नहीं आने देंगे। अपने तरफ जो हमारे यूपी के लोग अगर उनको छूट गए हैं तो उनकी देखभाल वही लोग करेंगे। मैम, मौके पर पुलिस पहुंची थी, वहाँ पुलिस से भी अभद्रता की गई है स्थानीय लोगों द्वारा, क्योंकि सारे वो लोगों को जो है घुसपैठियों को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे थे। तो संक्रमण की भी बात है, तो प्रशासन को पहले भी जानकारी थी, उसके बाद भी प्रशासन सतर्क नहीं हुआ, क्या मानते हैं? देखिए, हमारे संज्ञान में अभी आया है SDM की रिपोर्ट पर, मैं DC से बात करूंगी, उनको लेटर लिखूंगी और सीनियर्स के भी संज्ञान में डालूंगी कि ये चीज़ दोबारा नहीं। कि आप जानते हैं कि यूपी हरियाणा बॉर्डर वो बिल्कुल सील है, तो जो यहाँ के जो लोकल्स हैं आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे कुछ लोगों ने कोशिश की है कि ट्यूब के द्वारा लोगों को पास कर, उस पर जैसे जानकारी मिली तो वहाँ पर रेड की गई। रेड में अभी 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और ट्यूब भी बरामद है और लोगों को पता किया जा रहा है कौन ये लोग इसमें लिप्त हैं, इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं ट्यूब से पार हुआ हूँ, 300 रुपये किराया लिया। कहाँ है आपको जाना? मुझे रायबरेली। सर, उधर से नहीं आने दे रहे थे। जी सर। हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक ने अपने 1 साल का वेतन कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दिया है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी पर नियंत्रण के लिए हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक विधायक निधि से 11 लाख रुपए दान कर चुके हैं। हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक ने शनिवार को एक बार फिर जन सेवा के लिए बड़ा कदम उठाया। अपने वेतन के 25 लाख रुपए से विधानसभा क्षेत्र के 7,000 गरीब परिवार को राहत सामग्री पहुंचाने की शुरुआत कर दी। विधायक दिनेश खटीक ने बताया कि SDM की अगुवाई में पात्रों की सूची बनाई गई है। राहत सामग्री के साथ 20 टाटा मैजिक को रवाना कर अभियान की शुरुआत की गई।
गई है। इससे विधानसभा क्षेत्र के 135 गांव व 30 मजरों और नगर पालिका मवाना समेत 3 नगर पंचायत परीक्षितगढ़ बहसुमा हस्तिनापुर के 7000 परिवार को मदद मिलेगी। हर बैग का वजन 12 किलो है। इसमें 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो मसूर की दाल या 1 किलो चने की दाल और एक डेटोल साबुन सहित अन्य सामग्री थी। उक्त राहत सामग्री 20 टाटा मैजिक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज जो हमारे माननीय विधायक जी जो पूरे अपने हस्तिनापुर विधानसभा में जितने भी भूख से हैं या भूखे हैं या जिसको भी सामग्री की ज़रूरत है उसके लिए वो घर घर को वितरण करा रहे हैं। आज उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और हमें बिल्कुल स्पेशल तौर पे कहा कि आप जाओ और सपेरों की बस्ती में वहाँ जाओ और उनके घर घर जाकर राशन बांटो। इसलिए सभी हम यहाँ पूरी भाजपा की कार्यकारिणी यहाँ साथ आई है और सबको अपना जो है राशन वितरण किया गया है और इसके लिए सभी यहाँ जितने भी बस्तीवासी हैं सभी विधायक जी को हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जनपद मेरठ के गांव सैफपुर फिरोजपुर रामराज में कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के बीच कस्बा रामराज में शनिवार को नगर की कई गरीब बस्तियों में जाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खाने का वितरण किया। रामराज में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिहाड़ी मजदूरों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बीच जाकर खाद्य पदार्थ वितरित किए। उन्होंने कहा, ऐसे मुश्किल समय में जहां देश इस महामारी से गुजर रहा है ऐसे समय में ही मानवता की सेवा करने वाला कार्य काम आता है। लॉकडाउन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन लोगों के लिए लंगर का आयोजन कर रहे हैं जिन्हें बिना मजदूरी किए हुए एक दिन का खाना भी नसीब नहीं होता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर के मोहल्ला आर्यनगर कस्बा रामराज में रहने वाले गरीब लोगों को खाने का वितरण किया। उन्होंने खाने के 500 पैकेट से ज्यादा वितरित किए। उन्होंने बताया कि आगे भी समय समय पर गरीबों की मदद की जाएगी। और हम सब लोगों ने रामराज की सारी टीम है, हम लोगों ने ये आपस में ही सब पैसे इकट्ठा करके हमने निर्णय लिया कि जब से लॉकडाउन है बहुत लोग परेशान है यहाँ लॉकडाउन की वजह से, जैसे गरीब लोग हैं, विकलांग हैं, वृद्ध हैं या विधवा महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए आज ये हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर का पहला चरण हमारा स्टार्ट हुआ है। हम सब लोगों के लिए ज़रूरतमंद आदमी हैं उनके लिए राशन दे रहे हैं, जैसे कि तेल है, चीनी है, आपका आटा है, दाल है, तेल है, ज़रूरत के जो मिर्च मसाले सब मिला करके हम लोग सब लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद है। ये पहला चरण है, इस तरह का मामला हमारा 3-4 चरणों में चलेगा। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए छपार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार शर्मा ने छपार थाना क्षेत्र के गांव बसेड़ा में गणमान्य लोगों के साथ बैठक की जिसमें सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए विटामिन सी, गर्म पानी पिए और गर्म पानी से नहाएं। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे तथा उससे संपर्क में न आए। यह बीमारी संपर्क में आने से फैलती है तथा 10 से 12 दिन बाद इसका पता चलता है। बीमारी आगे न फैले इसके लिए लॉकडाउन कराया गया है जिसे हमें सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बाहर के लिए अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को जरूरी काम से कहीं जाना है तो उसकी परमिशन एसपी सिटी से प्राप्त कर सकते हैं और अगर कोई दुकानदार रेट से अधिक सामान बेचता पाया गया तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बसेड़ा ग्राम प्रधान पति दिलशाद, दरपत प्रधान, तेजलहेड़ा पुरकान प्रधान, प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार शर्मा सहित सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान के बाड़मेर जिले की पचपदरा तहसील के पाटोदी गांव में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ के अंदर कोरोना के प्रति अलग ही जोश देखने को मिला, जहां पर डॉक्टर मनोज अपनी टीम के साथ निरंतर लगे हुए हैं, जिसमें डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, मेल नर्स लुम्बाराम, मेल नर्स गौतम तंवर, LHV हेमलता गोयल व अन्य कर्मचारी द्वारा रात दिन एक कर अस्पताल में आने वाले मरीजों को अच्छे से देख कर यथासंभव उनका उपचार किया जा रहा है एवं जो संदिग्ध लग रहे हैं उनकी स्कैनिंग कर उन्हें तुरंत प्रभाव से बालोतरा रेफर कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटोदी के वरिष्ठ चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NK शर्मा के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अस्पताल के सभी कर्मचारी अपने अपने काम को यथासंभव वहां रहकर पूर्ण कर रहे हैं। गांवों में जाकर लोगों को सोशल डिस्टेंस के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। डॉक्टर मनोज पटेल ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर कमलेश चौधरी के दिशा निर्देशन के अंतर्गत हम प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर जाकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम भी कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों की स्कैनिंग भी की जा रही है। अभी तक 210 लोगों की स्कैनिंग की है, उसमें लोगों को जागरूक भी किया है, जैसे रसोली गया हूँ, कालेवा गया हूँ, काफ़ी लोगों से साझाली गया हूँ, काफ़ी लोगों को मैंने बोला है कि चाहिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, दूर दूर खड़ा होना चाहिए और मेरे को 3 लोग संदिग्ध भी लगे
जिसको मैंने बालोतरा के लिए रेफर भी किया। रिपोर्ट सर अभी दो की नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन एक में अभी पेंडिंग है। जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि भाई लोग घरों में रहे, बाहर ना आए, अगर सर्दी जुकाम जल्दी प्रॉब्लम हो तो हॉस्पिटल आए, वरना हॉस्पिटल भी ना आए अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम भी है। नेपाल से जमात में एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव मिलने पर शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन के आला अधिकारियों की टीम ने रटोल गांव पहुंचकर गणमान्य लोगों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा रटोल गांव को सैनिटाइज भी कराया गया। वहीं कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रटोल गांव में नेपाल की एक जमात 19 मार्च को रटोल गांव पहुंची थी। दिल्ली निजामुद्दीन मरकज मामला तूल पकड़े जाने के बाद 1 अप्रैल को प्रशासन की टीम द्वारा रटोल गांव में रुकी नेपाल और पश्चिम बंगाल की तबलीगी जमातों को एसडीएम खेकड़ा राजपाल सिंह और सीओ दलीप सिंह द्वारा अमीन नगर सराय में बनाए गए एकांतवास में भेजा गया था, जहां सभी लोगों की जांच की गई, जिसमें नेपाल का एक जमाती कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम में हड़कंप मच गया। शनिवार को खेकड़ा एसडीएम राजपाल सिंह और सीओ दलीप सिंह रटोल गांव पहुंचे, जहां शिव मंदिर रटोल में उन्होंने गणमान्य लोगों की एक बैठक ली और लोगों से लॉकडाउन का कड़ा पालन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की और कानून का पालन करने का आदेश दिए। यहां पर रटोल कस्बे में विशेष रूप से यहां के सभी धर्मों के मौजिज लोग, इन लोगों को बुलाया गया था और विशेष रूप से जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करने के लिए और उसमें जो गाइडलाइन दी गई है सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, हमारे यहाँ पर मेडिकल टीम भी हमने इस कस्बे में भिजवाई है, वो पूरा चेकअप करेगी। इसके साथ ही हमारी और टीम है वो सैनिटाइज कराएंगे और इसके साथ ये भी निर्देश दिया कि अगर कोई भी इसको नियम को तोड़ने की कोशिश करेगा और कानून का उल्लंघन कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई की। पॉजिटिव कितने लोग पाए गए सर जो यहाँ अभी, से अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर जो इस कस्बे से हमारे बांग्लादेश के इसमें नेपाल के थे और बंगाल के थे, उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ से भिजवाया था, उसमें चेकिंग हुई है, टेस्टिंग हुई है, उसमें अभी एक के बारे में पता चला है कि पॉजिटिव है, बाकी और की भी चेकिंग चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, अगर उसमें आता तो आगे उनका भी उनको क्वारंटाइन कराया गया और हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया। जनपद शामली में 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सीएसी इंजनारा पर उपचार जारी है। दरअसल आपको बता दें, तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर निजामुद्दीन मरकज से जनपद शामली पहुंचे 2 विदेशी और 1 आसाम के जमाती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला अधिकारी शामली जसजीत कौर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मेरठ लैब से जो 3 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है उसमें 2 बांग्लादेश एवं 1 आसाम का निवासी है। उन्होंने बताया कि यह तीनों जमाती 17 मार्च को दिल्ली निजामुद्दीन मरकज से तबलीगी जमात में शामिल होकर शामली के थाना भवन क्षेत्र की एक मस्जिद में रहे थे। इसके बाद उनको जलालाबाद में क्वारंटाइन के लिए भेजते हुए इनके स्वास्थ्य की जांच के लिए सैंपल मेरठ भेजे गए थे। लैब से मिली रिपोर्ट के अनुसार इन 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा एहतियातन और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तबलीगी जमात से संबंधित कई लोगों के सैंपल जनपद शामली में लिए गए थे, उनमें से अभी सूचना मिली है कि 3 सैंपल जो हमारे हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 2 बांग्लादेशी और 1 असम के निवासी हैं। इनका प्रोटोकॉल के हिसाब से जो कार्रवाई है वो शुरुआत कर दी गई है। सीएमओ साहब अपनी मेडिकल टीम लेकर रवाना हो गए हैं। इनको सीएचसी, हमारा कोविड अस्पताल जो जिंजियाना में है, वहाँ रखा जाएगा, उनका उपचार किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन जो है पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से जो कार्रवाई है वो करेंगे। उस एरिया का सैनिटाइजेशन होगा, घर घर सर्वे होगा, देखा जाएगा कि कोई बीमार तो नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है। शामली में 1 पॉजिटिव केस पहले भी पाया गया था, जिसका पूरा इलाज हुआ है और वो बिल्कुल सही हो गया है। कोरोना वायरस की बीमारी से बचाने के लिए मेरठ जेल का एसएसपी ने औचक निरीक्षण किया और जेल में बनाए गए कोरोना वार्ड का जायजा लिया। एक बैरक को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और हर 2 दिनों में बंदियों का चेकअप भी किया जा रहा है, जहां एसएसपी ने निर्देशित किया कि यदि बंदियों के साथ चेकअप में कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव चंदेना माल में एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं था उसकी वजह से गांव में कोरोना की दहशत का माहौल पैदा हो गया था, जिसे देखकर गांव में कुछ युवक उसे तबलीगी जमात से निकला हुआ जमाती और कोरोना वायरस का मरीज समझने लगे और उसे गांव में घुसने से मना कर दिया। गांव के बाहर ही कुछ शरारती तत्वों ने उसे पकड़कर बैठा लिया, जिसकी सूचना पर ग्रामवासियों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। उसके बाद ग्रामवासियों ने जलालाबाद पुलिस को इसकी सूचना दी। उन्होंने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी और बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस चौकी प्रभारी पवन कुमार सैनी अपनी टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और वहां जाकर संदिग्ध व्यक्ति जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। टीम के डॉक्टर हुमायूं खान द्वारा टेस्ट किया गया तो उसमें कोरोना वायरस जैसे कोई लक्षण नहीं मिले। कोरोना वायरस के खौफ के चलते गांव का कोई भी व्यक्ति उसके पास जाने से डर रहा था, तो वहीं जलालाबाद पुलिस चौकी प्रभारी पवन कुमार सैनी ने दरियादिली दिखाते हुए उसके पास जाकर उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम नासिर अली पुत्र हारून गांव शेरपुर जिला मुजफ्फरनगर बताया। उसके बाद वहां के ग्राम प्रधान से संपर्क किया गया तो ग्राम प्रधान हाशिम ने बताया कि यह व्यक्ति हमारे ही गांव का है जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उसके बाद ग्राम प्रधान को उसके घर वालों को सूचित कर उसे ले जाने के लिए कहा गया। हमने जांच की है इसकी, एक तो ये एफिब्राइल है, एसिम्प्टोमेटिक है, ना खांसी नजला जुकाम कुछ नहीं है, ये मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है और इसके बारे में जानकारी जुटा के जो बात हुई है ये शेरपुर का रहने वाला है, हारून इसके पिता का नाम है और इसको भी जो हमारे इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन के वो इसको भी पहुंचवा देंगे। अभी फिलहाल इनको रेन बसेरे में जो है पहुंचा दिया गया है। वैसे इससे कोई घबराने कोई दिक्कत कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, किसी इसका कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री भी नहीं है। आज सुबह जैसे ही हमें पता चला ग्रामवासियों द्वारा कि एक संदिग्ध व्यक्ति हमारे गाँव किसी गाँव के और चंदाने के बीच में गाँव के रास्ते पर पड़ा है, गाँव काफ़ी लोग वहाँ से इकट्ठे हो रहे थे, तो हमने तभी शासन प्रशासन को इसकी सूचना दी, CMO साहब को सूचना दी, खुद वहाँ मौके पर पहुँचे, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई, पुलिस भी आई और उसे उसके यहाँ से जलालाबाद ले गए। पता चला कि वो मेंटली कुछ डिस्टर्ब था, इसलिए उसके घर वालों को उसके से पता पूछ के उसके घर वालों को सूचना दी गई और अब जो उसके घर के ले गए और ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया कि वो कोरोना से पॉजिटिव हो। जनपद शामली के विकासखंड थाना भवन क्षेत्र के गांव दखोड़ी जमालपुर में गन्ना मंत्री सुरेश राणा के निर्देशानुसार थाना भवन विधानसभा को सैनिटाइज किया जाएगा। उसी के चलते गांव दखोड़ी जमालपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर ठाकुर सोहनवीर सिंह ने खुद पाइप पकड़कर गांव के प्रत्येक मोहल्ले व गली में घर घर तक इस कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी को देखते हुए गांव में सैनिटाइजर का स्प्रे कराया। भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर सोहनवीर सिंह इस आपदा की घड़ी में अपने तन मन धन से सहयोग में लगे हुए हैं। दो दिन पूर्व भी इन्होंने अपने निजी कोष से 50,000 रुपए के मास्क घर घर जाकर वितरित किए थे और ग्रामवासियों से अपील की थी कि कोई भी व्यक्ति इस संकट की घड़ी में भूखा न रहे, जिसे भी खाने पीने संबंधी कोई समस्या हो तो वह तुरंत संपर्क करे और इसके खाने पीने संबंधी सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। देखिए आज माननीय मंत्री श्री सुरेश राणा जी द्वारा हमारे गाँव में गाँव दखोड़ी जमालपुर में सैनिटाइजर का स्प्रे कराया जा रहा है और गाँव दखोड़ी जमालपुर में नहीं पूरे विधानसभा पूरी थाना भवन विधानसभा में उन्हीं के द्वारा सभी गाँवों में ये सैनिटाइजर कराया जा रहा है और मेरा माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपनी विधानसभा के बारे में अपनी विधानसभा की जनता के बारे में बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, बहुत ही अच्छी सोच है माननीय मंत्री जी की, जो इस धार्मिक एक किस्म से काम में लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं और अपने विभाग से ही गन्ना विभाग से ही ये सैनिटाइजर करा रहे हैं। तो आपके ग्रामवासियों से क्या अपील है? मेरी ग्रामवासियों से अपील है, ग्रामवासियों से क्या, अपने क्षेत्र के सभी लोगों से अपील है कि वे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के अपील का पालन करें, कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, सभी अपने घरों में रहें, अपने बच्चों को घरों में रखें। देखो जान है तो जहान है, रहेगी रोजी रोटी का मामला, उसमें मैं पहले की तरह फिर लोगों को अपने सभी भाइयों को कहता हूँ कि कोई भी आदमी गाँव में भूखा नहीं रहेगा, जिसके अगर किसी चीज़ की जरूरत होगी उसके वो हमसे संपर्क करे, उसके खाने वाने की सब व्यवस्था हम लोग कराएंगे बिना शुल्क बिना झिझक बिना किसी उसके। हमारे माननीय मंत्री जी भी बार बार हमसे फ़ोन पर पूछते रहते हैं कि कोई भी गांव में या आसपास कोई आदमी प्रताड़ित ना हो, कोई आदमी भूखा ना रहे, उनकी सभी व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, तो हम उनके आदेशों के अनुसार लगे हुए हैं, सभी टीम सभी लोग लगे हुए हैं और सभी से अपील करते हैं कि वे लॉकडाउन का पूरा पालन करें, न कि बाहर फिरें,
ना कहीं जावे ना कहीं आवे और किसी अन्य को भी अपने गांव में ना बढ़ाने देवे। तो आपके गांव में लॉकडाउन का कैसा असर है? बहुत अच्छा सर है, बहुत लोग अच्छी तरीके से इसका पालन कर रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने गाँव वालों को कि कोई बाहर नहीं जा रहा, कोई सड़कों पर नहीं फिर रहा और जो हमारी अपील का पूरा पूरा असर हो रहा, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे और माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार सभी लोग चल भी रहे। जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद में सीओ थाना भवन अमित सक्सेना व जलालाबाद चौकी प्रभारी पवन कुमार सैनी अपनी टीम के साथ कस्बे की जामा मस्जिद, मनिहारों वाली मस्जिद, दरबार वाली मस्जिद व मुन्ने वाली मस्जिद व अरबी मदरसा की मस्जिद आदि में गश्त कर अनाउंसमेंट द्वारा नगरवासियों से जुमे की नमाज घर में ही अदा करने की अपील की। नगरवासियों ने भी जलालाबाद पुलिस का सहयोग करते हुए घरों में ही रहकर जुमे की नमाज अदा की। कस्बे की सभी मस्जिदों में ताले लटके मिले। जलालाबाद चौकी प्रभारी पवन कुमार सैनी भी बड़ी ही मुस्तैदी के साथ कस्बे में लॉकडाउन का बड़े संयम के साथ नगरवासियों से घर में रहने अपील कर रहे हैं। शासन के आदेश थे कि कोई भी व्यक्ति जुमे की नमाज मस्जिद में न अदा करे, उसी के चलते जलालाबाद पुलिस नमाज के समय पूरी तरह से अलर्ट रही। सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस बड़ी ही मुस्तैदी के साथ तैनात रही और जलालाबाद चौकी प्रभारी पवन कुमार सैनी कस्बे में बार बार गश्त कर पूरी स्थिति का जायजा लेते नजर आए। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।